गोंडा जनपद विकास खंड नवाबगंज स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर सरयू नदी के किनारे पटपरगंज फलाहारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध मंदिर पर पंच दिवसीय श्री गणेश गायत्री सीताराम हनुमान मूर्ति स्थापना एवं प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ मंगलवार को भव्य कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा के साथ किया गया। कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ निकली। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। राधा कृष्ण मंदिर पटपरगंज से प्रारंभ हुई उक्त कलश यात्रा में शामिल महिलाओं व कन्याओं ने सिर पर कलश रखकर पूरे नगर की परिक्रमा की। नगर भ्रमण के बाद ठाकुर जी प्रांगण स्थित प्राण प्रतिष्ठा होने वाले स्थान पर कलश को स्थापित कर यात्रा का समापन किया गया। बाद में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तजनों के मन में भी काफी इच्छा थी, जो आज अपार जन समूह के रूप में देखने को मिला। सनातन संस्कृति के प्रति लोगों की श्रद्धा व विश्वास को इस उत्साह से समझा जा सकता है। आज यहाँ पर एक ऐसा कार्यक्रम था, आज फलाहारी बाबा पटपरगंज पर मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम था, जिसमें आज पहला कार्यक्रम कलश शोभा यात्रा के तरफ निकाला गया था। कलश के सभी महिलाएं और सभी व्यक्ति सभी ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति द्वारा कलश शोभा यात्रा नगर क्षेत्र में होते हुए यहाँ पटपरगंज मंदिर पर पहुंची है। साथ वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है, जो अनवरत दिनांक 11 जून तक चलेगा। 10 तारीख को महाशोभा यात्रा निकाली जाएगी, 11 तारीख को महाप्रसाद कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, भगवान श्री राम का पूरा दरबार स्थापित होने जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? ये हम लोगों के बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ 20 साल से जो मूर्ति रखी थी प्राण प्रतिष्ठा कराने का मौका पूरे नगर और गांव के सहयोग द्वारा हम लोगों के द्वारा कराने का मौका मिला। आपसे सटी हुई अयोध्या है, भगवान राम का भव्य मंदिर उधर बन रहा है, आज भगवान के श्री राम दरबार का भी यहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? पंडित जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम आचार्य शंकर मिश्र, मैं श्री राम अयोध्या से, बाकी हमारे सहयोगी बनारस से एक लोग आए हैं, एक लोग मथुरा वृंदावन से हैं और दो लोग अयोध्या से हैं। यहाँ पर आप उपस्थित हैं, ये कितने दिनों का कार्यक्रम है? ये जो कार्यक्रम अनवरत चलेगा, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। यह पंच दिवसीय कार्यक्रम है। आज प्रथम दिवस था कलश यात्रा, सरयू जी का पूजन, वरुण देवता का पूजन, बाकी देवियाँ आपके पीछे घर बनी है उनका अभी आवाहन होगा, पूजन होगा प्रथम मीटिंग में। सेकंड मीटिंग में 3 बजे से चलिए यात्रा का जलाधिवास का कार्यक्रम होगा, जो मूर्तियाँ हैं गणेश गायत्री हनुमत देवता राम दरबार, इन सभी मूर्तियों को जल में अधिवास कराया जाएगा, आज का कार्यक्रम यह है। और बाकी 33 को देवी देवताओं का आवाहन किया जाएगा, पूजन होगा, आरती होगा, सभी देवताओं का पूजन और प्रतिष्ठा निरंतर 5 दिवसों तक चलेगा। 10 तारीख को मूर्तियों को नगर भ्रमण कराया जाएगा, नगर में 1, 3, 5, 7 मंदिरों में मिलाप कराया जाएगा।
इसके बाद ला करके यहाँ सैया निवास करा के रात्रि विश्राम अगले दिन बने हुए स्थान पर उनको स्थापित करके उनकी मूर्ति है उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित कर दिया जाए। और आप लोगों को बताने में बहुत प्रसन्नता हो रही बड़े हर्षोल्लास के साथ कि रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि बलनत छवि जाता सब लोग अवश्य देखिए देखन जो मनुष्य के जब पूर्ण पुंज उदय होते हैं तो यह अवसर प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के जब पूर्ण पुंज उदय होते हैं तो यह अवसर प्राप्त होता है भगवान के नामों का श्रवण करने का पूजन पाठ इत्यादि करने का। इस कार्यक्रम में अनेक प्रकार की चीज़ आपको दर्शन करने का अवसर मिलेगा जो दुर्लभ है सब जगह होता नहीं। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वेद पाठों का आप लोग सभी नगरवासी ग्रामवासी श्रवण करेंगे। जो काशी और मथुरा वृंदावन से आए हैं बनारस से आए हैं हमारे विद्वानों के द्वारा आप लोग वेद मंत्रों का श्रवण करेंगे। और 11 तारीख को ना किसी माचिस से ना किसी पदार्थ से भगवान के मंत्रों के द्वारा आरणी मंथन के द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण से अग्निदेव भगवान का प्रादुर्भाव होगा प्राकट किया जाएगा और उसी अग्नि से हवन इत्यादि पूजा होगी किया जाएगा।